साल 2007 का समय था जब ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन शादी के बंधन में बंधे। कई तरह की अफवाहें भी उड़ी, कई दावे भी किए गए। इन्हीं में से एक दावा था कि ऐश्वर्या राय मांगलिक हैं और यही वजह थी कि अभिषेक से शादी से पहले ऐश्वर्या की पैर से शादी कराई गई। वहीं कई रिपोर्ट्स में ऐसी भी चीज़ें कही गई थी जिनमें यह दावा तक किया गया था कि ऐश्वर्या राय बच्चन परिवार के लिए अशुभ हैं। जब अमिताभ बच्चन के कानों में ये बात पड़ी तो एक्टर को बहुत ही ज़्यादा वो बुरी तरह से भड़क गए थे। दरअसल ससुर अमिताभ ने बहू ऐश्वर्या का पक्ष लेते हुए मिडडे को एक इंटरव्यू दिया था। साथ ही इस इंटरव्यू में उन्होंने ऐश्वर्या राय को लेकर उड़ रही अफवाहों पर रिएक्शन दिया। एक्टर को बेहद गुस्सा आया और उन्होंने इसे असंवेदनशील बताया। अमिताभ बच्चन को बेहद गुस्सा आया और उन्होंने कहा कि ये बेहद ही ज़्यादा असंवेदनशील है। पहले तो ऐसी खबरें आई थी कि वो शादी से पहले ही मांगलिक थी और पेड़ से उनकी शादी करवाई गई और अब ये खबर आ रही है कि वो अशुभ है। बताते चले इसी के साथ एक्टर ने कहा कि हर दिन कोई ना कोई भविष्यवाणी होती रहती है कि ऐश्वर्या राय क्या है, उनका क्या भविष्य होगा और ये जिस घर में जाएंगे उनका ससुर मर जाएगा। हमारे लिए बदकिस्मत नहीं ऐश्वर्या, जो नियति में है वही होगा। अमिताभ ने आगे कहा कि मीडिया के लिए अटकलें लगाना और लिखना बहुत अच्छी है, लेकिन क्या किसी ने सोचा है कि वो और उनका परिवार किस दौर से गुजर रहे होंगे। सबसे बुरी बात यह है कि अटकलें बंद नहीं हुई हैं, ये हो गया वो हो गया, ये सब ऐश्वर्या की वजह से हो रहा है। ऐसा कहना था, वक्त बीत गया मगर अटकलों का दौर अब भी ख़त्म नहीं हुआ। ऐश्वर्या राय को लेकर अब भी कयास लगते ही रहते हैं। कभी अभिषेक के साथ उनके तलाक की खबरें सामने आती हैं तो कभी बच्चन परिवार के साथ उनकी अनबन की। फैंस की तो हमेशा यही तमन्ना रहती है कि ऐश्वर्या अभिषेक की भी सब कुछ अच्छा ही हो। फिलहाल इस पर आपकी क्या कुछ राय, आप हमें कॉमेंट करके बताएं। ऐसी तमाम लेडीज खबरों को जाने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहने सनलाइट।